नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह और आप सब जुड़ चुके हैं हमारे चैनल न्यूज क्राइम 24 के साथ। पटना सिटी के गुलजारबाग रेलवे स्टेशन के पास से एक महिला और एक पुरुष जो कि श्रमजीवी एक्सप्रेस में तस्करी के लिए शराब लेकर आ रहे थे, महिला सहित एक अन्य और जीआरपी ने तस्कर को अंग्रेजी शराब के साथ जीआरपी पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि इन दोनों के पास से लगभग 40,000 रुपये से अधिक शराब पकड़ा गया है। वही मामला गुलजारबाग रेलवे स्टेशन की है, जब नई दिल्ली से चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन राजगीर के लिए जा रही थी, तभी ट्रेन को गुलजारबाग स्टेशन के पास चैन पुलिंग किया गया और दो लोग वहां से उतरकर भागना शुरू कर दिए। भाग रहे में से दो युवक में से एक महिला जो कि रानीपुर और एक पुरुष फुलवारी शरीफ का रहने वाला है और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। जो है बरामद की गई है किसी ट्रेन से, कौन सी गाड़ी थी और कितने लोग गिरफ्तार किए, क्या कितने शराब थे इसमें? मॉर्निंग में जो प्लेटफॉर्म ड्यूटी में थे हमारे यहाँ से जीआरपीएफ के राजकुमार कांस्टेबल, वो अपना ड्यूटी में थे, उसी समय एक गाड़ी जो जा रही थी दिल्ली से आपको जाती है श्रमजीवी एक्सप्रेस, वो गाड़ी संख्या है 12392 और वो लगभग 7:54 AM में यहाँ ACP करके रोक दिया गया। उस समय आरपीएफ में भी हमारे यहाँ पोस्टेड हैं कांस्टेबल विकास करके, विकास तो आरपीएफ वाले भी गए। उसमें पूछताछ के दौरान देखिए उससे जो दो व्यक्ति उतरा है तो एक मेल और फीमेल था, संदिग्ध अवस्था में पाए गए और उनके पास काफ़ी मतलब 4-5 बैग के साथ वो लोग उतर गए। चूँकि यहाँ स्टॉपेज नहीं है और फिर भी उतरे तो संदेह के आधार पर ये लोग ACP करके उतरे थे, तो पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं दिए और आरपीएफ और जेआरपीएफ के द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए तो उसको स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष उसका बैग को खोला गया। वहाँ जो मौजूद थे उन लोगों के समक्ष तो उसमें काफ़ी मात्रा में अवैध शराब के साथ देखा गया, कई ब्रांडों के साथ, उसमें टेट्रा पैक भी था काफ़ी मात्रा में और बड़ा बड़ा बैग था। तो उनसे पूछताछ की जा रही है इस संबंध में। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? एक इसमें दो अभियुक्त है, एक है गुड़िया देवी, उम्र लगभग 32 वर्ष है, पति मुना कुमार यादव और ये रानीपुर ऊपरी गली वार्ड नंबर 61 बताए हैं, थाना मेहंदीगंज जिला पटना के रहने वाली है। और एक मेल है वो जसीम अंसारी है, उम्र 20 वर्ष बता रहा है, मोहम्मद हसन अंसारी, साकिन फुलवारी शरीफ, ईसापुर अमरुद्दी बगीचा फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। ये दोनों को मतलब अवैध शराब के साथ और पूरा कई ब्रांडों के साथ पकड़ा गया है, गिरफ्तार की गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या पहले ही बेचते थे ये लोग शराब? क्या अभी तक तो पूछताछ के दौरान ऐसा इसमें जांच की जा रही है, पूछताछ किया जा रहा है, ऐसा ये लोग अभी तो गच्छे नहीं है, लेकिन अब संबंधित थाना से फिर इनका क्रिमिनल हिस्ट्री लिया जाएगा। कितने का शराब होगा मैडम? लगभग ये लगभग ये नियर अबाउट 40,000 का होना चाहिए, अभी तो काउंटिंग चल ही रहा है और इसमें लगभग 47 लीटर है।